जिला कठुआ के पहाड़ी खजाने से निकले एक कोहिनूर ने दूरियों और पिछड़ेपन की दास्तां को खत्म कर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। बनी कस्बे से बावस्ता सुजाद इकबाल खां की उम्र मात्र 19 साल थी जब उसने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का मन बनाया। सेना में नौकरी को छोड़ने के बाद अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसके बाद मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी की ओर बढ़ गया। समय था जम्मू कश्मीर में नाजुक हालात का, जब जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन की आग में झुलस रहे थे। 3 महीने से कारोबार ठप रहने पर सुजाद ने मुंबई जाने की ठान ली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटे पर्दे पर सहायक के रूप में कई बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला तो हीरे की चमक बॉलीवुड को भी चमकाने लगी। सुजाद ने महाभारत, रणबीर, रानो जैसे धारावाहिकों के लिए, इसके अलावा भक्ति संगीत के लिए प्रसिद्ध विनोद राठौड़ की फिल्म में भी काम किया। इन्होंने एल्बम में मॉडल के रूप में भी काम किया, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में बढ़ने की रुचि सुजाद को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती रही। कैमरामैन के रूप में काम शुरू करने के बाद वर्ष 2009 से 2011 तक कई कारपोरेट एड फिल्मों और रीजनल प्रोजेक्ट पर बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का भी मौका मिला। वर्ष 2010 में सुजाद ने बॉलीवुड की फिल्म लव 420 में सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई। इसके बाद राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। बड़े निर्देशकों से तराशे जाने के बाद सुजाद ने अपनी पहली डेब्यू फिल्म मानसून लॉन्च की, बदलापुर फिल्म के साथ ही रिलीज हुई। अभी सुजाद मुरारी नामक एक कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें असरानी और सुरेंद्र राजन सरीखे कलाकारों का साथ भी मिल रहा है। आइए बातचीत करते हैं सुजाद खान से। श्रोताओं, हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं सुजाद। सुजाद, सबसे पहले आपका स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम युवा मंच में, और आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरा काफिला जो शुरुआत रही है वो ऐसे थी कि 2008 में तकरीबन मैं यहाँ मुंबई की तरफ आया जी, और चूंकि बहुत कम एज थी तो बहुत मुश्किल सफर रहा यहाँ का, और 2008 आने के बाद मैंने एक्टिंग को करियर चुना। एक्टिंग के साथ साथ मैं राइटिंग करता रहा, राइटिंग के साथ साथ फिर डायरेक्शन की तरफ गया, फिर कैमरा सीखा जी। और मैं बताना चाहूंगा सबसे, मैं बेसिकली हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, और मेरा जो टाउन है, कस्बा है, ब्लॉक बनी जी, सब जानते होंगे उसके बारे में जी। और बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, एक पहाड़ी कल्चर का मतलब बंदा हूँ जी। और बड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सफर रहता है एक गांव में एक बड़ी हाईटेक सिटी की तरफ, बहुत टफ रहता है जी। तो मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं एक दिन मतलब मुंबई की तरफ रुख मोड़ूंगा और वहाँ मेरा जो है मतलब रोजी रोटी चलेगी। और फिलहाल बेसिकली मैं अभी राइटिंग और डायरेक्शन में हूँ जी, और तकरीबन इस साल मेरी 2 फिल्म रिलीज हो रही है, एक जिसमें से एक तो रिलीज हो चुकी है मानसून जी, और अभी जो नेक्स्ट की तैयारी है मुरारी द मैड जेंटलमैन जी। तो सुजाद, ये बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए कि बनी में आखिर जिस तरह से आपकी जिंदगी के शुरुआती दिन जो थे वहाँ कटे, तो किस तरह का माहौल रहा उस समय और आगे कैसे बढ़े? जी, जैसा कि आज अगर मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ कि आज इस मुकाम पे पहुँचना इतनी कम एज में, तो मैं सबसे पहले श्रेय देता हूँ हमारे कठुआ के ही एक बाशिंदे हैं जी, बीएनएस जम्वाल जी, जो मेरे प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल टाइम में। जैसा कि मैं कॉस्मिक हर्ट जो स्कूल है उनकी एक ब्रांच शुरू हुई थी बनी में शुरुआती दौर में, जब हम तकरीबन नर्सरी क्लासेस में थे, तो बीएनएस जम्वाल जी जो है उन्होंने वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने कन्वर्ट किया कॉस्मिक को, जिसका नाम हुआ होली हट पब्लिक स्कूल बनी जी। बनी में वो जो स्कूल में जो एक्टिविटीज थी, एक आर्टिस्ट जो आज हम जो फील करते हैं हमारे अंदर एक आर्टिस्ट है, एक अभिनेता है, एक निर्माता है या जो भी है, वो चीज बीएनएस जम्वाल जी बहुत डेवलप्ड इंसान थे, तो पूरे टाउन में उन्होंने जो दौर को बदला अपने स्कूल के जरिए, इंग्लिश मीडियम जो स्कूलिंग उन्होंने दी, जो एजुकेशन दी, वो बहुत ही बहुत गजब थी। तो हम बींग मुस्लिम गाय, हमारी फैमिली बहुत सिंपल रहते हैं,
और हमारे बनी का वैसे तो माहौल बहुत ही प्यारा रहा है बचपन से जी। तो वहाँ का जो सफर रहा बहुत इंटरेस्टिंग था, इतना सीखने को मिला। और जब हम वहाँ से जब नेक्स्ट कदम हमने शहर की तरफ रखा तो हम ऑलरेडी इतने डेवलप्ड थे कि मतलब आगे कोई दिक्कत ही नहीं आई जी। सुजाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काफी कम उम्र में आपने ये काम जो था वो शुरू किया था, तकरीबन क्या उम्र रही होगी जब आप निर्देशन की दुनिया में आगे गए? देखिए होता क्या है, यहाँ बॉलीवुड में अगर आप बात करें तो जो डायरेक्टर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं वो एक एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं, और उस एक्सपीरियंस में तकरीबन हर एक इंडिविजुअल आदमी को कम से कम 10 से 15 साल उसको सिर्फ सीखने में देने पड़ते हैं जी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। लेकिन मैं जब बॉम्बे एंटर किया था तो मैं सिर्फ 19 साल का था, और उस वक्त मतलब मैं बहुत बहुत स्मार्टनेस और बहुत हार्डवर्क के साथ मैंने लॉबी बनाई, बॉलीवुड के कुछ अच्छे लोग जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनके साथ मैं असिस्ट हुआ, उनको असिस्ट करा, और करते करते जो है आज 28 का हूँ। तो मतलब ये शायद बॉलीवुड में शायद बहुत ही एक नई चीज होगी कि मतलब 28 में कोई डायरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 2015 का शायद मैं ही लिस्ट में यंगेस्ट डायरेक्टर रहा हूँ जी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, बनी के बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आपको सुन रहे होंगे इस समय, तो बनी में जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह से वहाँ पहाड़ी कल्चर है और हमारी डोगरी सभ्यता भी वहाँ पर जो है वो काफ़ी फल फूल रही है, वहाँ के लोग बहुत ही समृद्ध हैं कल्चर के लिहाज से, तो ऐसे में कहीं विकास का पिछड़ापन जो है वो युवाओं के लिए आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं जो है अवरोधक बनकर या स्पीड ब्रेकर बनकर हम कहें तो सामने आता है, ऐसे में सुजाद आपके लिए किस तरह की दिक्कतें रही? देखिए पहले तो मैं बनी का बताना चाहूंगा कि जो बनी की जो हमारी पहाड़ी कल्चरल कमेटियां हैं जी, मैं जब छोटा था स्कूलिंग में तो मेरे मामा जी हैं लियाकत अली खान जी, और उनके साथ कई सारे लोग हैं जो उस कमेटी में है। तो हमारे यहाँ छिंज मेला जो होता है हर साल जून में, तो हर साल जब वो छिंज आता था तो बच्चों में एक उत्साह रहती थी, एक इंटरेस्ट रहता था कि मेला आएगा एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं मेरी बात करूं, जब वहाँ जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, हिमाचल से सिंगर्स आते थे, हमारे लेखराज जी जम्मू के, एनके के सुरेश चौहान, ये सब जब आते थे सिंगर्स परफॉर्म करने, तो मैं स्टेज पे पीछे रहता था अपने मामा की वजह से, क्योंकि मामा भी काफी चलती थी तो हम स्टेज पे ही रहते थे क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। तो वो आर्टिस्ट जो था उसी टाइम से मतलब मैं फील करता था कि मुझे इन कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है। और दूसरी चीज ये कि वहां बनी से निकलने के बाद जब बॉलीवुड में मैं आया तो यहाँ कई सारी दिक्कतें रही। यहाँ पे मतलब एक तो हाईटेक सिटी में सबसे टफ है, यहाँ पे सबसे महंगी सिटी है, और महंगी सिटी की होने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें ये रही कि एक फैमिली का सपोर्ट नहीं था उस टाइम जब 2019 में मैं यहाँ आया, क्योंकि उसकी भी अपनी एक वजह थी, क्योंकि मैंने आर्मी छोड़ दी तो मेरी फैमिली को ये मतलब पसंद नहीं था कि एक अच्छी पोस्ट पे तुम जा रहे हो और तुम दूसरी तरफ कन्वर्ट हो रहे हो, तो वो डर रहे थे, तो उस वजह से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं शायद इस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और मैंने हर वो दिक्कतों को सॉल्व किया। देखिए शुरुआती दौर में तो शायद खाने को भी नहीं मिलता था, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई ये जो जगह है यहाँ पे मतलब जो सपनों की दुनिया है, यहाँ पे सर्वाइव करना उतना ही टफ है जितना कि आप कह सकते हैं कि एक गरीब इंसान को इस आज के दौर में सर्वाइव करना। तो खैर फिर बाद में जब चीजें इजी होती गई तो धीरे 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 सफर चलता रहा, और मुझे लगता है आगे भी अभी बहुत टफ सफर है क्योंकि अभी बॉलीवुड में बहुत कुछ प्रूव करना है जी। आपने बनी की संस्कृति को काफ़ी करीब से देखा है, तो ऐसे में कहीं आपको महसूस होता है कि बनी की जो खूबसूरती है या वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ के युवाओं को तराशने की आवश्यकता है या ज़रूरत महसूस होती है इस तरह की? जी बिल्कुल, मुझे कई सारी चीज़ें हैं बनी से रिलेटेड जो मैं मतलब अपने युवाओं को जो है बताना चाहूँगा। देखिए जब हमारा दौर था, मैं अभी भी जानता हूँ कि जब हम पढ़ा करते थे तो मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं मतलब युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जो नशा है, मैं आजकल काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा हूँ ये ड्रग्स पे, नशों पे और बच्चों की जो करियर है उस पे, तो मैंने अक्सर जब भी मैं विजिट करता हूँ बनी में तो मैंने देखा कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो मतलब हमने उस वक्त भी देखी ही नहीं थी कभी, मतलब दूर दूर तक हम थे नहीं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है तब, जबकि देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें आगे हो रही हैं, लेकिन ये जो युवा है इनको अपनी पढ़ाई और इस तरह की एक्टिविटीज जो हमें हमारा फ्यूचर बनाती हैं, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, अगर इंटरनेट है
तो उसका सही इस्तेमाल करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को इजी बनाएं। लेकिन युवा मुझे लगता है कि बनी के थोड़े से डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी वक्त है, अच्छी तरफ जो है अपने कदम बढ़ाएं ताकि एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिले। क्योंकि एक एग्जाम्पल है, कई ऐसे मेरे भाई हैं जो आप शायद जानते नहीं हो, कांथल हमारे एक जगह है, वहां से एक मेरे मित्र हैं, वो अभी दुबई में रहते हैं, वो भी इस बॉलीवुड में अपनी डेब्यू एज अ डायरेक्टर कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और कई मेरे ऐसे सीनियर्स रहे थे स्कूल टाइम में, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं, मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट्स बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो उसके बाद का मैंने बैच देखा कि एकदम डाउन होता गया, तो वो जो डाउन हो रहा है उसे आई थिंक हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, और युवाओं को खुद अपना देना चाहिए कि उन्हें इस तरह के बड़े काम करने चाहिए। जी सुजाद, हम बात करें अगर आपके यहाँ से जाने की, तो जब 2008 का समय था, जिस तरह से हम जानते हैं कि आपको यहाँ से जाना पड़ा था, जब आपने सेना में नौकरी छोड़ दी, उसके बाद आपने मुंबई जाने का फैसला लिया, उस समय की बात बता दीजिए। 2008 से पहले, 2006 में मैंने एक्चुअली सेना छोड़ी थी, तो 2008 में मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था जेएनके में, मतलब जम्मू सिटी में, हम लोग एक यूके के किसी एक प्रोसेस पे कॉल सेंटर चला रहे थे, मैं और मेरे पार्टनर दीपक शर्मा जो कि अभी एक पॉलिटिशियन है जी। तो हमारा वो जो सफर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया था हमने, गवर्नमेंट के साथ एक 5 CR तक का एक अप्रूवल लिया था, गवर्नमेंट के साथ एक BPO चलाने का। लेकिन जो आप जानते होंगे 2008 में अमरनाथ यात्रा पे जो कर्फ्यूज और जो जिस तरह का माहौल बना हुआ था जी, तो उस चीज में मैं वहां 3 महीने मैंने उन मैंने खुद लोगों के बीच में रह करके वहां के हालात देखे, तो वो हालात मुझे ऐसे लगे कि मुझे बहुत नेगेटिव कर रहे, और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे शायद यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये चीज हो रही है, क्योंकि उन 3 महीनों में मेरा पूरा बिजनेस था वो जीरो हो गया था जी। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं यंग हूँ तो मुझे शायद जो मुझे मेरा इंटरेस्ट है, तब तक मैं क्या करता था कि मैं चीजों में बंधा रहता था कि नहीं यार ऐसा लोग कह रहे हैं, फैमिली कह रही है तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने खुद अपनी दिल की सुनी और मैंने कहा मुझे वही करना है जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। जी जी, जिस शुरुआती दौर में आप मुंबई पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद किन लोगों से मिले और किस तरह से आपका सफर आगे बढ़ा? देखिए, जब मैं मुंबई आया था तो मैंने दिल्ली से ट्रेन ली थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मुंबई क्यों जा रहा हूँ जी। लेकिन जब मुंबई पहुंचा, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगी होती है, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और फैमिली वालों को भी बता के नहीं आया था, तो बड़े ही कम पैसों में मैंने मतलब कई दिन, तो शायद आप कह सकते हैं कि बहुत दिन भटका यहाँ वहाँ अकोमोडेशन के लिए, फिर जाकर के कहीं सेटलमेंट हुआ और कुछ 5-6 फ्रेंड्स थे हम लोग वहाँ साथ में, हम लोग रहते थे। मुंबई में फ्लैट्स होते हैं, एक लेवल है जो फ्लैट्स होते हैं बिल्डिंग्स में जी। तो यहाँ पे एक दूसरा और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे चौल होता है, तो वो चौल बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ बहुत फैमिली माहौल होता है, तो वहाँ पे हम कुछ फ्रेंड्स रहने लगे, तो फिर वहाँ से सफर शुरू हुआ जी। तो शुरुआती दिनों में किस तरह की एड फिल्म्स पे काम किया और किस तरह से आगे गए? जी, मैंने शुरुआती दौर में, मुझे आज भी याद है कि मेरा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था एज एन एक्टर, वो हमारे सिंगर हैं विनोद राठौर जी, जो मुन्ना भैया भी इसके गाने गा चुके हैं जी, उनके एक डिवोशनल एल्बम थी जी। और इसके साथ एक बड़ी मजेदार बात भी जुड़ी हुई है जी, कि वो डिवोशनल एल्बम में मुझे फर्स्ट टाइम काम मिला कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मॉडल हो आप, तो आप एक काम करिए, ये भजन पे परफॉर्म करना है। और देखिए, मेरा जो बचपन गया है हमारे बनी में, वहाँ पे एक चीज मुझे हेल्प करी कि वहाँ सुबह शाम भजन चलते रहते हैं हमारे मंदिर में। और बनी का जो इलाका है, मैं सुजात जी अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा कि कौमी सौहार्द का एक इलाका है जहाँ कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरे वही जो बचपन में सीखा था कि हम मेरे दोस्त जो थे, हम लोग मंदिरों में जाया करते थे, मस्जिदों में जाया करते थे, यज्ञ होते थे वहां जाते थे, हर जगह जाते थे, तो वो मेरे लिए बहुत ही कॉमन चीज थी कि एक भजन मुझे परफॉर्म करना है, तो मैंने वो भजन परफॉर्म किया। और मजे की बात ये हुई कि वो डिवोशनल एल्बम हमारे कटरा में भी गई जी, तो कटरा में वहां पे वो वीडियोस जब चलते थे वहां पे, तो वहां पे मैं दिखता था, तो कई सारे मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों ने कहा कि यार आपके, मेरे फादर्स आपको बोलते थे कि आपके बेटे भजन गाया हुआ है, तो सर उनको क्लियर किया मैंने गाया नहीं है, गाया सिंगर ने, मैंने परफॉर्म किया एज एन एक्टर जी। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर मैंने कुछ सीरियल्स करे, बालाजी के रणवीर राणा था, महाभारत था,
और छोटे छोटे काफी सारे कैमरे एक्ट किए और रक्त चरित्र में भी एक काम किया, तो इस तरह से सफर चलता गया। जी सुजाद, ये बताइए कि इस दौरान आपको काफी कुछ खोना पड़ा, काफी कुछ पाना पड़ा, तो ये पूरे जो 2008 से लेकर आज 2015 चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने इस समय खोई और सबसे इम्पोर्टेंट जो पाया वो क्या था? हाँ देखिए, जो मैंने खोया वो बहुत ही अजीम चीज थी मेरे लिए, क्योंकि जिस वक्त 2012 से पहले मैंने काम की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि एक किस्सा है कि मैं 2012 में मेरी जो डेब्यू फिल्म मैंने की है जो इस साल रिलीज हुई है, उसी फिल्म को मैं अपने JNK में ही रिलीज शूट करना चाह रहा था, बनी और सरथल और ऐसी ऐसी जगहों पे। जी। तो मैं वही लोकेशन को देखने मेरे कुछ दोस्तों, मेरे टेक्निकल लोगों के साथ गया था घर पे, और उससे पहले मतलब मैंने कुछ इतना बड़ा फिल्म नहीं किया था, तो वो मेरी फर्स्ट ही फिल्म थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी और वो मेरे लिए एक सक्सेसफुल होने का एक मतलब एक जरिया था। तो मैं घर गया था, मेरे फादर JNK स्टेट गवर्नमेंट में PWD डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे और काफी अच्छे इंसान थे, तो मेरे फादर साहब से भी मिलने गया और फैमिली से मिलने गया, सोचा कि दो रातें दो दिन उनसे थोड़ा मतलब घुल मिल लेंगे, और बहुत सालों बाद गया था, लगभग 1.5 साल बाद गया था, लेकिन फादर मेरे बहुत सपोर्ट करते थे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जी। तो हुआ ये कि वो फिल्म की तो हम तैयारी कर रहे थे और जिस दिन मैं लौटने वाला था मुंबई, तो मेरे फादर साहब ने कहा बेटा तुम रुक जाओ थोड़ी देर, एक रात और रुक जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा सबको। तो उस दिन अचानक से क्या हुआ, उनके रोड की कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अचानक से वहाँ कुछ जूनियर से मिसमैनेज हुआ, वहाँ एक ब्लास्ट हो गया। जी। और ब्लास्ट में मतलब मेरे घर के पास ही पुलिस स्टेशन है, वही कुछ काम चल रहा था, तो ब्लास्ट में अचानक से जो फादर साहब थे मतलब उनको कुछ इंजरीज हो गई नेक पे। जी। तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और मैं 10 सेकंड में उनके पास ही पहुंचा था। तो वो एक जो मोमेंट था, क्योंकि फादर साहब बहुत यंग थे और ऊपर से, और मेरा नाम भी अगर आपको मैं बताऊं, मेरा नाम है सुजाद हुसैन, लेकिन आफ्टर द डेथ मैंने पापा का नाम अपने साथ जोड़ा है, सुजाद इकबाल खान। जी। तो वो वही एक चीज है, मतलब हमेशा थोड़ा सा अंदर मतलब एक थोड़ा दुख पहुंचाती है कि अगर फादर साहब होते तो आज वो देखते कि मेरा बेटा जो चाह रहा था वो कर रहा है। जी देखिए, हम आपके दुख की भरपाई तो नहीं कर सकते, पर हम जानते हैं कि एक पिता को खोना एक बच्चे के लिए किस तरह से दुखदायी हो सकता है। जी। तो इसके बाद जब आपकी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा, ये जो मानसून फिल्म थी ये कब रिलीज हुई आपकी? ये मेरी फिल्म रिलीज हुई थी February 20, 2015 बदलापुर के साथ रिलीज हुई थी। जी। और जम्मू में इसको दो तीन थिएटर्स मिले थे, अपने अंबिका थिएटर में 2 हफ्ता लगी रही फिल्म, और मेरे काफी मित्र लोगों ने वहां देखी फिल्म और उनको अच्छी लगी, क्योंकि वादियों का पूरा शूट था आपके डलहौजी में, मैंने इसे शूट किया था, बाद में मैं बनी में तो नहीं कर पाया, मैंने दलहौजी हिमाचल प्रदेश में इसको शूट किया। जी।